गदर 2 सनी देओल की मच अवेटेड मूवी जो कि उनकी कमबैक मूवी भी माना जा रहा है। इस मूवी का फैंस बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं और इस मूवी का हाइप भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उस गाने के सॉन्ग्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और लगभग 21 साल के बाद इस मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसका अनाउंसमेंट मोशन पोस्टर के थ्रू 10 महीने पहले मेकर्स ने किया था, जिसका प्रोड्यूसर जी स्टूडियो और अनिल शर्मा प्रोडक्शन है और इस मूवी के डायरेक्टर भी अनिल शर्मा है। तो 10 दिन पहले 15 अगस्त को इस मूवी का गदर ट्यून भी पब्लिश किया गया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और अब इस मूवी से रिलेटेड अपडेट, इस मूवी का रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं कि इसका कब इससे रिलेटेड टीजर ट्रेलर आएगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इस मूवी से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी का लगभग 80% शूटिंग हो चुका है जो कि लखनऊ में हो रहा था। अभी भी मूवी में कुछ शूटिंग करना बचा हुआ है, उसके बाद मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में चली जाएगी और डायरेक्टर ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि इस मूवी को कब तक रिलीज़ किया जाएगा। तो रिलीज डेट का तो अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। और इस मूवी के स्टार कास्ट की अगर बात करें तो जो गदर एक प्रेम कथा में हमें देखने को सनी देओल मिले थे तारा सिंह के रूप में और सकीना के रूप में अमीषा पटेल, तो उन्हें ही इसमें रखा गया है। और उनके बेटे जो चरणजीत सिंह जीते जिन्हें बोलते थे हम लोग, वो बड़े हो गए और उनका कैरेक्टर उत्कर्ष शर्मा इस मूवी में निभाएंगे। तो इस मूवी का अभी तक कोई रिलीज डेट नहीं आया है, पर फैंस बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं और ये भी बोला जा रहा है कि ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी गदर मूवी जैसी। तो आप कितना इंतजार कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, मीन्स इस मूवी का? प्लीज अपनी थॉट्स को कमेंट के थ्रू शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल के लिए चाचा, बाय बाय, थैंक यू।